सब्सक्राइब करिए भारत दस्तक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। भारत दस्तक बहुजनों को रखे सबसे आगे। दिल्ली में धूल भरी आंधी चल रही है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करूंगी कठुआ रेप केस की। इस रेप केस का अब जाकर वर्डिक्ट आया है। एक साल लंबी लड़ाई चली है, लोग सड़कों पर उतरे, लगातार फेसबुक पर लिखा, और 6 दोषियों को सजा भी हुई है। इस केस के लिए, इस कठुआ रेप केस के लिए आरोपियों को बचाया गया था। कुछ लोगों ने भीड़ बनाकर तिरंगा यात्रा निकाली, भारत माता की जय के नारे लगे, और उन नारों के बीच आरोपियों को बचाया गया। एक ऐसे बचाने ही की कोशिश की गई जी, बचाने की पूरी कोशिश की गई, केस फाइल करने में भी दिक्कत आ रही थी। ऐसी ही भीड़ अभी अलीगढ़ में हुई, 2.5 साल की बच्ची के हत्याकांड के ऊपर जो है बनाई जा रही है। मैं अलीगढ़ से रिपोर्टिंग करके आई हूँ। मैंने रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद एक स्टेटस लिखा था, वहाँ आप तमाम लोगों ने गालियाँ दी, लेकिन उन गालियों से सच नहीं ख़त्म हो जाता। वहाँ पर भगवा रंग के गमछे और रुमाल बांधे लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इस बार एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए वो लोग उतरे हैं। इस बार उस समुदाय आरोपियों को उसकी सजा आरोपियों मतलब के लिए, कठुआ में जो विशेष समुदाय था जी उसकी विक्टिम थी, और अलीगढ़ में जो विशेष समुदाय है जी उसके आरोपी हैं। तो ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है विशेष समुदाय के खिलाफ इकट्ठा हो रही है, इसे मुद्दों से शायद मतलब नहीं है। तो ट्विंकल जो बच्ची थी, उसके माता पिता से मैंने मुलाकात की, और उन्होंने बताया कि उन्हें फांसी चाहिए, सजा चाहते हैं वो आरोपियों को, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ आप नफरत नहीं फैला सकते हैं। इस पूरे केस के दौरान 4-5 ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि पहले बताएं उनके घर के बाहर कैसा माहौल था। जब मैं गई उनके घर के बाहर तो कुछ लोग आए हुए थे, बारी बारी से खड़े होकर वो बोल रहे थे। तो जब मैं कैमरा ऑन कर रही थी तो वो लोग बोलना बंद कर रहे थे, कि बोलकर अपनी भाषा वो चेंज कर रहे थे कि विशेष समुदाय को हमें समझाना है, आप लोग समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कैमरा बंद करती तो फिर वो अपने जो उन्हें भड़काना था वो भड़काने का काम कर रहे थे। विशेष समुदाय का मतलब क्या बता रहे थे? विशेष समुदाय वहाँ पे मुस्लिम है, क्योंकि 1/3 वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है। खुद से बोल रहे थे कि नहीं ये शब्द? किसी किसी ने बोला भी है, किसी किसी ने नहीं बोला। मैंने वीडियो रिकॉर्ड्स की हैं उनकी, मेरे फ़ोन में भी है, हमने उस पर वीडियो स्टोरी चलाई भी है। तो इस पूरे केस में 4-5 ऐसे सवाल हैं जो जिनका जवाब पुलिस नहीं दे रही है, और जो तहकीकात है वो आगे बढ़ भी नहीं रही है। सिर्फ हमें इतना ही पता है कि तहकीकात एक दिशा में बढ़ रही है, एक ही दिशा में बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दे रहे हैं जी। तो कुछ सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो जाहिद है आरोपी और जो दूसरा आरोपी है असलम, ये दोनों अलग अलग एज ग्रुप के हैं और दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अलग अलग हैं। जाहिद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, असलम के हैं। तो असलम के ऊपर अपनी ही बच्ची का रेप करने का आरोप लगा था 2014 में। उस केस में उसे ये भी क्लियर नहीं हुआ है अभी कि वो अंडर ट्रायल था या वो कन्विक्ट था। उस पर पोक्सो एक्ट लगा था और 1 साल में वो बेल पर आ गया। इतना कड़ा कानून है पोक्सो एक्ट, और उसके बावजूद उसे बेल मिल गई। ये किस तरह से ये केस लड़ा गया था, पुलिस का क्या रवैया था, ये कुछ नहीं पता है। उसपे पोक्सो दोबारा भी लगा, उसने एक गांव की ही एक और नाबालिग लड़की को छेड़ा, तो उसे फिर से उस पर कार्रवाई की गई। उस पर रासुका भी लगा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा 2015 में उस पर लगा, क्योंकि उसने दिल्ली से एक बच्चे को अगवा करके अपने घर में 15 दिन तक कैद रखा। लोग बताते हैं उसके पड़ोसी कह रहे हैं जी, उसके पड़ोसियों ने ये बताया। तो असलम इतना खतरनाक अगर क्रिमिनल है, अगर उसने ये क्राइम किए हैं, तो वो गांव में उसे रहने कैसे दिया गया? पंचायत का क्या रोल था? लोगों ने इसे क्या निजी मामला मान लिया था कि अपनी बच्ची का किया है तो हम कुछ बोलेंगे नहीं? गांव के जो प्रधान है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसका निजी मामला था, हम क्या कर सकते थे। लेकिन बलात्कार निजी मामला नहीं है। जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, ऐसे कई मामले आए हैं, अगर आप देखेंगे अखबारों में या वेबसाइट्स पे जाके,
तो जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं ना, ये फिर करते हैं अपराध। जी, वैसा ही नेचर का क्राइम फिर करते हैं। जो व्यक्ति गांव की नाबालिग बच्चियों को छेड़ चुका है, उसे आपने एकदम एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ लोगों ने कहा था कि इसे गांव के लोगों ने इसका सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। ये पुराना जमाना नहीं है कि आप सामाजिक बहिष्कार जी कर कि वो गांव छोड़कर चला जाएगा और गांव के बच्चे सारे सुरक्षित ये हैं। बिजनेस एरिया, आप सामान नहीं देंगे तो कहीं और से खरीद के लाएगा, वो कहीं से भी लाएगा। जाहिद का क्या मामला है? जाहिद को लेकर ना तो बच्ची के परिवार वालों ने ऐसा कोई आरोप लगाया है कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था, लड़ाई झगड़ा करता था, ना पुलिस के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है। तो ये दोनों लोग मिले कैसे? किसने किसे कन्विंस किया? जाहिद ने असलम को मनाया बच्ची को मारने के लिए, असलम ने जाहिद को मनाया? मतलब गांव वाले कह रहे हैं कि दोनों में कोई ऐसी दोस्ती, कोई ऐसी दोस्ती कोई नहीं बात थी नहीं जी थी। किसी ने बताया भी नहीं कि इन दोनों की दोस्ती थी। तो ये एक अनसुलझा एक सवाल है, क्या कैसे इनकी दोस्ती नहीं? क्योंकि इन्होंने जो क्राइम किया है, इन पर जो आरोप लगा है, वो छोटा क्राइम नहीं है। जिस निर्मम तरीके से बच्ची की हत्या की गई है, उसके लिए एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंड जी, हमारे लिए बहुत मतलब सोचना भी, हम सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरीके से बच्ची को मार सकते हैं। दूसरा है इनके घरों की बनावट जो है, दोनों के ही घर जो गोबर है उससे लिपे हुए हैं, घर में बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, दो दो कमरे हैं, एक बरामदा है, एक रसोई है, वो भी कच्ची कच्ची रसोई है, और बाथरूम है। तो मैं वैसे तो दोनों के घरों पर ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने नीचे से, क्योंकि गेट टूटा हुआ था तो मैंने नीचे से झाँक कर देखा, तो बच्ची को उन्होंने इन घरों में अगर उन्होंने मारा भी होगा, उन्हें उसे तड़पाया भी होगा, तो जो आसपास के घर हैं जो एकदम उसकी जड़ में हैं, लोग अपनी छत से भी देख सकते हैं, 2.5 साल की बच्ची, बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं, एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी के घर में लड़ाई होती है तो हमें, हमारे पास आवाज आती है, हम जाकर देखते हैं कि क्या मामला है। तो जब बच्ची को ऐसे तड़पाया जा रहा होगा तो पड़ोसियों ने देखा क्यों नहीं? किसी को समय का भी नहीं पता चल पा रहा दिन के किस वक्त मारा, रात के किस, क्या था, कैसे मारा। और हिंदुओं के घर हैं उसके आसपास, जाहिद का पूरा घर हिंदुओं के घर से मतलब सटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम भी हैं, लेकिन फिर भी कोई बोलेगा कैसे नहीं, सवाल कैसे नहीं उठाएगा कि भाई तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। तो एक ये सवाल है। जो दूसरा सवाल है, मैं क्या पूछ रही थी, दूसरा सवाल ये है कि इनके ना हथियार नहीं बरामद, हथियार, हाँ, तो पुलिस ने ना बच्ची को की हड्डियाँ तोड़ी गई हैं, उसके शरीर की कितनी हड्डियाँ टूटी हैं, उसके लिए कोई तो हथियार होगा ना। पुलिस को जाहिद या असलम के घर से मिला होगा, पुलिस ने तहकीकात की है, तो कहाँ है वो हथियार, उन घरों से हथियार बरामद क्यों नहीं किए गए? मतलब अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है पूरा कि कैसे उसे कहा जा रहा है कि जाहिद की बीवी के दुपट्टे से उसका गला घोटा। तो बच्ची का गला घोटा, तो उन्होंने अगर पहले ही उसकी हड्डियां तोड़ के उसे मारा तो फिर गला घोटने का और समझ क्या नहीं बच्ची आ रहा है। उतनी मार सह के 8-10 घंटे तक जिंदा रह पाती, वो 2.5 साल की बच्ची थी, मतलब इतनी उसकी बॉडी कैसे, आप इतने निर्मम गला भी घोटा आपने, उसकी हड्डियां भी तोड़ी, उसको क्या वो इतना झेल पाती, झेल पाती 8 घंटे का टॉर्चर। तीसरा सवाल ये है कि जो बच्ची के दादाजी हैं वही लेन देन करते हैं घर में, ना बच्चों बेटों को पता है ना बहुओं को पता है, पैसे का लेन देन वही करते हैं, उन्होंने ही जाहिद को दिया था। जो मीडिएटर था पैसे दिलाने वाला, वो भी फरार है, मुझे ना गांव में मिला है ना पुलिस को मिला है, किसी ने उसे कॉन्टेक्ट भी उसका नहीं दिया, ना कॉन्टेक्ट उसका है कि पता कर सके कि जाहिद अगर, लेकिन पैसों का मामला क्या है, जैसे बच्ची के दादा पिता ने बताया कि क्या बताया कि लड़ाई नहीं हुई थी, हाँ, पिता कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं हुई थी, पता नहीं 10,000 उसमें बाकी थे तो वो मार कैसे सकता है। जब लड़ाई नहीं हुई तो क्या चीज थी ऐसी जो जाहिद के दिमाग में थी कि बिना लड़ाई के, बिना किसी बड़ी तूतू मैमे के, वो बच्ची को मतलब बच्ची के साथ ऐसा करने की सोच सकता है? तो पैसे का मामला क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही मतलब सस्पेंस क्रिएट करता है कि जाहिद किस तरीके का आदमी है। हाँ, वो उसकी मानसिकता क्या है, असलम और जाहिद की मानसिकता मतलब किस तरीके की है, मुझे यही समझना है। पुलिस ही अब अपनी तहकीकात में सारे सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी, तो पुलिस की तहकीकात सही तरीके से सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। लेकिन पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट फाइल नहीं की, फाइल नहीं की, वो फाइल होगी तो हमें पता चलेगा। और एक और जो बात है कि मीडिया हाउसेस लिख रहे हैं कि मुस्लिम पलायन कर चुके हैं, सच या झूठ, मेरी रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है और सब लोग शेयर कर रहे हैं। जो मैंने लिखा था अपनी रिपोर्ट में कि मुस्लिम गाँव छोड़कर जा रहे हैं, उस दिन रविवार का दिन था, महापंचायत होनी थी और बहुत भारी संख्या में वहाँ फरीदाबाद गुड़गांव से लोग आ रहे थे, तो
मुस्लिमों ने अपने घरों पे ताला लगाया हुआ था, वो कि अपनी रिश्तेदारियों में गए हुए थे, ये पड़ोसी जो दो चार मुस्लिम वहां थे। पलायन से लोग समझ रहे होंगे परमानेंट, परमानेंट तुरंत परमानेंट। आपके घर के आसपास भी अगर ऐसा माहौल बन जाता है कि 1000 पुलिस वाले पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया जाए, तो आप भी डर के मारे चले जाएंगे। भीड़ है जो एक खास वर्ग को संदेह की निगाह से देखे, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन टेम्परेरी वो कहीं चले जाएंगे कि इस चीज से बच सके। पुलिस भी तो घरों में आ रही है, पूछताछ चल रही है, लोग हैरस भी हो रहे हैं, कुछ निर्दोष लोग भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गांव छोड़कर चले ही जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे एक और चीज है कि गांव में दूर दूर स्कूल होते हैं जी। तो क्या लोग अपने बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सशंकित हैं? हैं, बिल्कुल हैं। बच्ची ट्विंकल के घर में जो आस पड़ोस की औरतें आई हुई थी, सब लोग डरे हुए थे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, बाहर भी खेलने जाते हैं, और इस तरीके की घटना ने सबको झकझोर दिया है। सब डरेंगे अपने बच्चों को बाहर भेजने से, किसी पड़ोसी के साथ खेलने भी नहीं देंगे वो, क्योंकि इस ये घटना छोटी नहीं है। और अभी आज 3-4 दिन में ही आप देखिए कितनी बच्चियों की हत्या हुई है, बलात्कार हुए हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कई जगह। पुलिस का ना इसमें सबसे खराब रवैया रहता है, 3-3, 4-4 दिन तक FIR दर्ज नहीं करती है। इस केस में भी हुआ, जब बच्ची का पिता पुलिस के पास जा रहा है कि आप FIR लिखिए, आप ढूंढिए मेरी बच्ची को, वो खुद ढूंढ रहा है। मस्जिद में 2-3 बार घोषणा होती है कि बच्ची कहाँ है, बच्ची कहाँ है। ये पेरेंट का काम नहीं है ना, जो पुलिस के पास मामला चला गया, तो पुलिस को अपनी तहकीकात करनी थी। हो सकता है ट्विंकल अपने माँ बाप के पास साथ आज खेल रही होती, अगर पुलिस सही समय पे सही कदम उठाती और बच्ची को ढूंढती, क्योंकि पता नहीं है बच्ची को किस दिन मारा गया। मतलब कुछ सवाल ये हैं आपके कि अभी तक हत्या का मकसद क्लियर नहीं, मकसद क्लियर नहीं है, और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी क्लियर नहीं है ना, और हड्डियां तोड़ने के लिए हथियार चाहिए, चाहिए। हाथ से किसी की सारी हड्डियां नहीं तोड़ सकते जी, है ना। और तीसरी चीज है कि पैसों के लेन देन को लेकर वो क्लियर नहीं है। हाँ। वो उस बिचौलिए को ढूंढा जाए कितने पैसे थे, क्योंकि कुछ गांव वाले जो जाहिद की तरफ के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 600-700 रुपए ब्याज के बचे हुए थे, और लेन देन तो आपस में गांव में चलता ही रहता है, तो पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है तो बच्ची को मारेगा कैसे? और पुलिस की कार्यशैली पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पुलिस ने पहले तो बॉडी नहीं खोजी। हाँ, पहले बॉडी नहीं खोजी, और फिर जब उसके बाद आरोपियों का नाम आने के बाद पुलिस ने अपनी जाँच ओपन शट केस बना दिया, मतलब मिलते ही कि हाँ ठीक है, ये यही है, और पकड़ लिया। और आपने कुछ मतलब ये तो लड़की के बच्ची के पिता दादा ने बताया कि आरोपी हैं, इसमें पुलिस ने क्या, पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन है? बिल्कुल। और वैसे पुलिस का, मैं पुलिस की इस बात पर तारीफ करूंगी कि पिछले 5-6 दिन से लगातार उन्होंने पूरे माहौल को सांप्रदायिक होने से बचा रखा है, ये हम शुक्रगुजार हैं। SSP आकाश कुलहरी और आकाश कुलहरी हैं जी, वो गश्त कर रहे हैं गांव में, जा रहे हैं बराबर, लगातार वो जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कुछ भी ऐसी वैसी घटना ना हो पाए, तो इसके लिए उनका बिल्कुल एक काबिले तारीफ है, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया जबकि काफी माहौल बना। जी जी, तो आखिर में आप क्या उम्मीद करती हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे कठुआ रेप केस में आरोपियों को सजा मिली और उनका दोष सिद्ध हुआ, ऐसे ही हमारी बच्ची ट्विंकल को भी न्याय मिले, उसके जो आरोपी हैं उनका पूरा हिस्ट्री खंगाला जाए और मकसद क्या था इस हत्या का पता चले, उन्हें भी इतनी ही कड़ी सजा दी जाए।